गुड मॉर्निंग द प्लांट फेयरी चैप्टर 2 क्लास 3 PVS लेट्स स्टार्ट। लास्ट संडे वी वेंट टू अ गार्डन इन द नेबरहुड। लास्ट संडे पिछले रविवार वी वेंट टू अ गार्डन इन द नेबरहुड। हम पड़ोस के एक बगीचे में गए। वी प्लेड हाइड एंड सीक छुपम छुपाई एंड अंताक्षरी। हमने खेला छुपम छुपाई खेला अंताक्षरी खेला। हाइड एंड सीक मतलब छुपम छुपाई। वी हैड अ लॉट ऑफ फन हमने बहुत मज़े किए। आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद दीदी सैड दीदी ने कहा लेट अस प्ले अ न्यू गेम टुडे आओ आज हम एक नया गेम खेलते हैं। वी हैड प्लेड दिस गेम इन द कैंप लास्ट ईयर यह गेम हमने पिछले साल कैंप में खेला था। आई विल बिकम अ प्लांट फेयरी मैं प्लांट फेयरी बन जाऊंगी। द प्लांट फेयरी विल कॉल आउट अ नेम ऑफ समथिंग एंड यू ऑल विल हैव टू टच इट। मैं प्लांट फेयरी बन जाऊंगी और प्लांट फेयरी कोई नाम किसी चीज़ का नाम पुकारेगी और आप सबको उस चीज़ को टच करना होगा। द गेम बिगन खेल शुरू हुआ। दीदी सेड दीदी ने कहा द प्लांट फेयरी आस्क्स यू टू टच अ प्लांट प्लांट फेयरी कहती है कि किसी एक प्लांट को टच करो। एट वंस और एकदम से ऑल द चिल्ड्रन रन्स टूवर्ड्स द प्लांट्स सभी बच्चे सभी चिल्ड्रन दौड़ पड़ते हैं पौधों की तरफ। अम्मू हैड द मैरीगोल्ड प्लांट अम्मू मैरीगोल्ड के पौधे को हेल्ड करती है पकड़ती है। शबनम सैट टचिंग अ जैस्मिन प्लांट शबनम जैस्मिन के प्लांट को टच करके बैठ जाती है उसको पकड़ कर बैठ जाती है। माइकल टच्ड अ मेहंदी बस माइकल मेहंदी की झाड़ियों को पकड़ता है। बस बी यू एस एच मीन्स झाड़ियाँ मेहंदी की झाड़ियाँ। दयाराम कट होल्ड ऑफ अ नीम ट्री एंड स्टूड देयर दयाराम नीम के पेड़ को पकड़ कर वहाँ पर खड़ा हो जाता है। चिल्ड्रन कैन बी आस्क्ड बाई व्हाट नेम गेम्स लाइक छुपम छुपाई अंताक्षरी आर कॉल्ड इन देयर रीजन्स बच्चों से पूछा जा सकता है यहाँ पर कि छुपम छुपाई अंताक्षरी को उनके क्षेत्र में क्या कहते हैं। दीदी सेड वेरी गुड दीदी ने कहा बहुत बढ़िया। एवरीवन हैज टच्ड अ प्लांट सब ने कोई ना कोई प्लांट टच किया है। बट हैव यू नोटिस्ड लेकिन क्या तुमने ये नोटिस किया दैट कि ऑल द प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर सभी प्लांट्स एक दूसरे से अलग है। दीदी यू आर आल्सो सीटिंग ऑन लिटल प्लांट्स सैड शबनम शबनम ने कहा दीदी आप जिन पर बैठे हो वह भी एक छोटे प्रकार के प्लांट्स है। कैन यू नेम दी प्लांट ऑन विच दीदी वाज सीटिंग क्या आप उस प्लांट्स का नाम बता सकते हैं जिसके ऊपर दीदी बैठी हुई थी। यस वी कैन से द गेम स्टार्टेड अगेन गेम दोबारा से शुरू हो जाता है। द प्लांट फेयरी नाउ सेड इस बार प्लांट फेयरी कहती है टच अ ट्री विच हैज़ आइदर अ थिक और अ थिन ट्रंक दीदी कहती है कि एक पेड़ को टच कीजिए एक पेड़ को पकड़िए जिसका ट्रंक ट्रंक मीन्स होता है तना जिसका ट्रंक या तो मोटा हो या पतला हो जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है। तीन बच्चों ने मिलकर एक मोटे तने वाले ट्रंक वाले पेड़ को ट्री को पकड़ा है और एक ट्री का जो ट्रंक है वह पतला है जिसे एक लड़के ने पकड़ा है। द चिल्ड्रन रन अगेन टू टच द ट्रीज विद थिक और थिन ट्रंक्स बच्चे दौड़ पड़ते हैं उन पेड़ों की तरफ उन ट्रीज की तरफ जिनके ट्रंक पतले या मोटे थे। हैव यू सीन अ ट्री विद अ ट्रंक एज थिक एज द वन शोन इन द पिक्चर क्या तुमने कभी
मोटे तने वाले, मोटे ट्रंक वाले पेड़ को देखा है, जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है। माइकल फाउंड द गेम वेरी इंटरेस्टिंग, माइकल को गेम बहुत अच्छा लगा था। उसने सोचा हाउ लक्की द फेयरी वाज, कि फेयरी कितनी लक्की है, कितनी भाग्यशाली है। सी कुड ऑर्डर एवरीवन अराउंड, वह अपने चारों ओर सबको ऑर्डर दे सकती है। नाउ अब आई वॉन्ट टू बी द प्लांट फेयरी, अब मैं प्लांट फेयरी बनना चाहता हूँ, सैड माइकल्स। माइकल ने कहा अब मुझे भी प्लांट फेयरी बनना है। द चिल्ड्रन लाफ अलाउड अ बॉय फेयरी, सभी बच्चे हंस पड़ते, ओहो एक लड़का और फेयरी बनेगा। दे वर नाउ रेडी टू टेक ऑर्डर्स फ्रॉम द न्यू प्लांट फेयरी, अब वे तैयार थे एक न्यू प्लांट फेयरी से ऑर्डर लेने के लिए। माइकल सैड, माइकल कहता है गेट मी सम लीव्स क्विकली, जल्दी से मेरे लिए कुछ लीव्स लेकर आओ, पत्तियां लेकर आओ। बट लेकिन रिमेंबर यू आर नॉट टू प्लक, यू आर नॉट टू प्लक द लीव्स फ्रॉम द प्लांट्स, लेकिन याद रहे पत्तियां पौधों से तोड़नी नहीं है। सैड दीदी, दीदी ने कहा द चिल्ड्रन रन टू कलेक्ट द लीव्स विच वर लाइंग ऑन द ग्राउंड, और सभी बच्चे दौड़ पड़ते हैं पत्तियों को, लीव्स को कलेक्ट करने के लिए जो कि ग्राउंड में पड़ी हुई थी। डू ऑल द लीव्स हैव सिमिलर कलर्स, क्या सभी पत्तियां एक जैसे कलर्स की होती है। सेप्स एंड मार्जिन्स, क्या सभी पत्तियों का कलर, सेप्स एंड मार्जिन्स इक्वल होता है, सिमिलर होता है। आंसर इज नो। दयाराम सैड, दयाराम कहता है आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था डैट देर वर सो मैनी टाइप्स ऑफ लीव्स, मैं नहीं जानता था कि बहुत अलग अलग प्रकार की पत्तियां होती है। लुक देखो, सम आर राउंड, कुछ गोल है, सम आर लॉन्ग कुछ लंबी है, एंड सम आर ट्रायंगुलर और कुछ तिकोनी है। अमू सैड, अमू कहती है दे आर सो मैनी डिफरेंट कलर्स एज वेल, सम आर लाइट ग्रीन एंड सम आर डार्क ग्रीन, कुछ लाइट ग्रीन की है, कुछ डार्क ग्रीन की है, सम आर इवन येलो, यहाँ तक कि कुछ लीव्स येलो भी है, रेड एंड पर्पल, रेड भी है और पर्पल भी है। देयर इज वन विच इज ग्रीन बट हैज वाइट पैचेस ऑन इट, देखो ये जो एक ग्रीन पत्ती है इसके ऊपर वाइट सफेद रंग के पैचेस बने हुए हैं। लुक, ध्यान से देखो, इवन द मार्जिन्स ऑफ दीज लीव्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, इन सभी लीव्स का, पत्तियों का मार्जिन्स भी डिफरेंट है। सम हैव स्ट्रेट मार्जिन्स, कुछ में जो मार्जिन्स है वह स्ट्रेट होता है, एंड सम अनइवन और कुछ का मार्जिन्स स्ट्रेट नहीं होता। सम ऑफ दीज मार्जिन्स इवन लुक लाइक अ शो शा सैड सबनम, और कुछ जो लीव्स हैं उनका मार्जिन बिल्कुल शा की तरह दिखाई देता है। अम्मू एंड सबनम साउटेड टुगेदर, अम्मू और सबनम दोनों एक साथ चिल्लाते हैं वी आल्सो वॉन्ट टू बी द प्लांट फेयरी, कि हमें भी प्लांट फेयरी बनना है। दीदी सैड नॉट टूडे, दीदी ने कहा आज नहीं, मे बी नेक्स्ट संडे, हो सकता है अगले रविवार को तुम प्लांट फेयरी बन सकती हो। इट इज टाइम टू गो होम नाउ, अब समय हो गया है घर वापस जाने का। ऑन द वे बैक, और घर वापस जाते समय दीदी रिसाइटेड अ पोयम फॉर एवरीवन, दीदी सभी को एक पोयम सुनाती है, रिसाइट करके सुनाती है। यहाँ पर पोयम दी गई है, पोयम का नाम है लीव्स। रेड पर्पल एंड इवन येलो, रेड पर्पल एंड इवन येलो, सम ग्रीन वेट एंड लूज, लीव्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स एंड ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड सीड्स, सम आर लाइक द एलिफेंट ईयर्स एंड सम आर प्लेफुल लाइक द डेविल, सम आर टॉर्न एंड सम आर फोल्डेड एंड सम इवन ईटन लाइक द बीटल, एंड इन द अर्ली डाउन्स डार्केस्ट ह्यू यू विल फाइंड द फ्लावर्स क्राइटियर लाइक ड्यू, सम आर लाइक बटरफ्लाइज, सम लाइक बीज, सम आर हेयरी एंड सम प्लेन,
Some dry up to look how thorns, and some even resemble cranes, whose scuttle and flutter. In the breeze they all do mutter, all day long they smile and play, and in the night they sleep away. Leaves are of different kinds and of different shapes and hues. By Vijendra Pal Sisodia. Thank you.